Rahman Rahim I am Syed Ali Kazmi Department of Political Science GPGC Mansera Today's my topic is concept of authority in political science So let's start First of all I would like to define authority The term Authority derives from the ancient Roman concept of actor, or actoriatus, which means to elaborate or to expand. So generally, it means to elaborate or to expand, or to make something wider. So this is the general meaning of the term authority. Authority is the ability to sensibly secure and elaborates wishes, determination or liking. So on the other hand it is also defined as that it is it is the capacity or ability of an individual. Uh, to secure his wishes, determination, sensibly, wisely. The right to command or direct is referred to an authority. When someone commands or directs, it is also referred as authority. The authority of a superior.

अब सब ऑर्डिनेट और बॉस या सुपीरियर के दरमियान जो लिंक क्रिएट होता है वो अथॉरिटी की बेस पे क्रिएट होता है कि एक हाई ऑफिशियल जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट को जब कमांड इशू करता है तो उनके दरमियान एक लिंक क्रिएट हो जाता है डेट इज ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर का या सब आर्डिनेट का तो ये इनके दरम्यान जो कनेक्शन या लिंक क्रिएट होता है ये अथॉरिटी की बेस पे होता है फर्दर हम इसकी डेफिनेशनस को देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बिच अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट पावर टू अफेक्ट एंड डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स वर्क तो अथॉरिटी जैसे पहले भी मैंने बताया था कि अथॉरिटी और पावर में यही फ़र्क है कि अथॉरिटी इज़ ऑलवेज़ लेजिटिमेट पावर कि ये वो पावर है जो लेजिटिमेट हो जैसे कोई लॉ रूल्स रेगुलेशन सपोर्ट कर रहे हो बैक कर रहे हो तो वो अथॉरिटी कहलाता है तो पीच के मुताबिक अथॉरिटी किसी के काम को डायरेक्ट करती है या उसे अफेक्ट करती है तो जब एक काम किया जाता है किसी को टास्क असाइन किया जाता है तो उस काम के करने को जो डायरेक्शन दी जाती है या उस काम को जो अफेक्ट किया जाता है इन्फ्लुएंस किया जाता है बीच के नज़दीक वो अथॉरिटी कहलाता है यानी फॉल के मुताबिक अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पाज टू एक्सपेक्ट ओबीडियंस तो फॉल के मुताबिक अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एक्सपेक्ट ओबीडियंस कि अथॉर्टी एक पावर है जिसके तहत ऑर्डर इशू किए जाते हैं और ओबीडियंस एक्सपेक्ट की जाती है कि जब एक अथॉरिटी एक ऑफिसर ऑफिशियल कमांड इशू करता है ऑर्डर जारी करता है तो उसके बदले में वो एक्सपेक्ट ये करता है कि उसके ऑर्डर को ओबे किया जाएगा एल डिफाइंड अथॉरिटी इज द सम ऑफ द पावर्स एंड राइट्स इंटरेस्टेड टू मेक पॉसिबल द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क डेलीगेटेड तो एलन के मुताबिक ये एक सम टोटल है या ये कम्बिनेशन है पॉज और राइट्स का जो काम किया जाता है जो टास्क असाइन किया जाता है उसको परफॉर्म करने के लिए या उसको मुकम्मल करवाने के लिए कि एक अथॉरिटी एक ऑफिसर को एक ऑफिशियल को काम या टास्क असाइन किया जाता है तो वो अपनी अथॉरिटी या लेजिटिमेट पावर यूज़ करके उस काम को कंप्लीट करवाता है तो एलन के मुताबिक ये अथॉरिटी है तो जनरली हम ये कहते हैं कि अथॉरिटी इज़ इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी, कि जब पावर लेजिटिमेट हो जाए तो वो अथॉरिटी बन जाती है काइंडस ऑफ अथॉरिटी बाय मैक्स वेबर तो जर्मन सोशलोजिस्ट है जो उनके मुताबिक देर आर थ्री काइंड ऑफ अथॉरिटी फर्स्ट इज़ द ट्रेडिशनल अथॉरिटी अब जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है जैसे नाम से ज़ाहिर है ये ट्रेडिशन पे बेस करती है कि जिस तरह मनार्क की ब्रिटिश मनार्क की एग्जाम्पल है हमारे सामने तो ब्रिटिश मनार्के एक ज़माने से कायम है क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो कंजर्वेटिव हैं वो ज़माने से अपनी कस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं और मनारक जो है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी के तहत एक ज़माने से कायम है और वो इमोशनली उससे अटैच हैं और वो इस अदारे को ख़त्म नहीं करना चाहते और वो मनार को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसके साथ इमोशनली तो अब जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है उसके पास कोई फोर्स या कॉशन नहीं होती बल्कि लोग उसे मॉरली अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपनी इखलाकदारी ज़िम्मेदारी समझकर उसको फॉलो करते हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है क्रिसमेटिक अथॉरिटी जैसे नाम से ज़ाहिर है ये बेस करती है एक लीडर की जो अपनी क्वालिटीज़ हैं उसका जो क्रेज़मा है उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं उस पे बेस करती है और लोग उस उस लीडर को उसकी क्वालिटीज़ की बुनियाद पे उसमें जो आ, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं क्रेज़मा है उसकी बुनियाद पे उसे फॉलो कर रहे होते हैं उन, उनके लिए वो एक इंस्पायरिंग फिगर होता है और आम तौर पे ये क्राइसिस के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मसाइल हो अगर किसी कंट्री में तो उस टाइम पे एक इस तरह का लीडर इमर्ज होता है जिसमें इस तरह की पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं कि लोग उसे एक उम्मीद सहार समझते हैं और ये समझते हैं कि उनके मसाइल को वो हल कर लेगा उन क्राइसिस को वो दूर कर लेगा तो वो उसे फॉलो करते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी की हालात बहुत ही ख़राब थे वहाँ पर उनकी इकानमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी तो हिटलर एक लीडर के तौर पे इमर्ज हुआ एक क्रिसमेटिक लीडर के तौर पे इमर्ज हुआ और लोग उसे फॉलो करने लगे और वो उसको एक अपने मसाइल के हल का एक सलूशन समझने लगे कि जर्मनी जिन हालात से गुज़र रहा था तो हिटलर उनके सामने एक उम्मीद था कि वो इन सब मसाइल को हल कर ले तो इस तरह ये एक अथॉरिटी है कि जो क्रिज़्मा या पर्सनल क्वालिटीज़ पे बेस करती है एक लीडर की फिर नेक्स्ट जो है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी है और वेबर के मुताबिक जब पावर लेजिटिमेट हो जाए और उसको लाज बैक बैक कर रहे हैं और रूल्स रेगुलेशन उसको बैक कर रहे हों तो फिर वो रैशनल लीगल अथॉरिटी बन जाती है कि वो अथॉरिटी जिसके पीछे कोई लॉ हो जो उसे स्पोर्ट कर रहा हो रूल्स रेगुलेशन हो जो उसे स्पोर्ट कर रहे हों तो वो कहलाती है रैशनल लीगल अथॉरिटी अब रैशनल लीगल अथॉरिटी में वेबर के मुताबिक जो जो पावर्स हैं जो अख्तियारत हैं वो उस शख़्स के पास नहीं होते बल्कि वो अख्तियार उसके पोर्टफोलियो का उसकी पोजीशन का उसके आफस का हिस्सा होते हैं और वो उसके आफस ही पे डिपेंड करते हैं कि जब तक वो आफ़िसर या वो शख़्स इंडिविजुअल उस आफस में रहेगा वो पोटफोलियो उसके पास होगा वो वह उसके पास होगा तब तक वह अख्तियार इस्तेमाल कर सकेगा तो जब वो उस ऑफिस से निकल जाएगा उस ऑफिस का हिस्सा नहीं होगा और वह पोर्टफोलियो उसके पास नहीं होगा तो फिर उसके पास वो अथॉरिटी कायम नहीं रहेगी तो इस तरह ये इसकी तीसरी काइंड है रैशनल लीगल अथॉरिटी तो आज का हमारा ये टॉपिक था उम्मीद है आपको समझ आई होगी थैंक यू वेरी मच